शॉर्ट कवरिंग के लिहाज से किरण, अगर कुछ स्टॉक्स से आप सेक्टर्स आप नजर डालें जहां पर कल और आज में एक तेजी बन सकती है एक्सपायरी से पहले, तो कौन से शेयर होंगे? क्योंकि कई शेयर आप देखिए जो काफी पिट चुके थे और आज एक बाउंस दिखा रहे हैं। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 8% ऊपर, जीएमआर इंफ्रा 6% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ, पूरा का पूरा एडीएजी पैक की तेजी को आप कैसे रीड कर रहे हैं? एडीएजी पैक तो बिल्कुल अवॉइड कर लेना चाहिए। जहां पे मार्केट बहुत अच्छा था इतने सारे महीने, तब ये स्टॉक नीचे आ रहे थे। मेरे ख्याल से ये एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स है जिन्होंने ये स्टॉक को पकड़ लिया है और एकदम से एक छलांग मारी है। उन्होंने इन्वेस्ट किया है, वो डाइवर्स कर लेंगे कल परसों और कॉमन इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में आ जाएंगे। तो ये एडीजी पैक को बाजू रखना चाहिए, बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। टेक्निकली भी देखा जाए तो कंटिन्यूस लोअर टॉप लोअर बॉटम है, तो ट्रेंड इज अवर फ्रेंड, ये कहावत सबको मालूम है, तो ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। अगर हम इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की आपने बात की तो उसमें थोड़ा सा मुझे पॉजिटिव नजर आ रहा है। करंट लेवल से करीबन अगर देखते हैं तो इधर से और ऊपर जाने की संभावना है। अगला रेजिस्टेंस करीबन 62 से लेके 66 है, तो उन लेवल्स पे एक बार रिव्यू लेना चाहिए। नीचे में 54 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, जब तक 54 होल्ड करता है तब तक इस स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखने को मिल जानी चाहिए। पीएसयू बैंक्स भी आज काफी कमजोरी